अगर आपको कोई गुप्त रोग है, अगर आपको इस सेक्स डॉक्टर के पास जाना है तो आप जा सकते हैं। खानदानी शफाखाना काफी अच्छा क्लिनिक है। जी हाँ दोस्तों, प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो दौड़ा हूँ आप सबके दिन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खानदानी शफाखाना मूवी, हिंदी मूवी रिव्यू करने वाले हैं। दरअसल ये पिक्चर थोड़ा हटके डायरेक्टर ने इसे डायरेक्ट किया है और स्टोरी भी थोड़ा जरा हटके है, और ख़ासतौर से इसमें जो हीरोइन का रोल है, दरअसल एक हीरो को करना चाहिए, दरअसल इसमें हीरोइन हीरो का रोल करती है। जैसे स्टोरी ऐसा जाता है कि मामा का क्लिनिक होता है, जो खानदानी क्लिनिक होता है, सेक्स डॉक्टर जो सेक्स रोग के बारे में दवाई देते हैं, एक क्लिनिक होता है, उसे अपने बच्चों के जो नाम करते हैं उसमें हीरोइन के नाम कर देते हैं और उन्हें 6 महीना कंपलसरी चलाना ही होता है। और तो और इसमें हीरोइन की रोल की सोनाक्षी सिन्हा और उन सपोर्टिंग एक्टर वरुण शर्मा, अनु कपूर काफ़ी अच्छे एक्टर माने जाते हैं, उन्होंने इस पिक्चर में काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। दरअसल ये स्टोरी ऐसा है कि खानदानी क्लिनिक जो है हीरोइन के नाम हो जाता है और हीरोइन को 6 महीना कंपलसरी चलाना ही होता है, और उनकी आर्थिक व्यवस्था काफ़ी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं होता है, और उनके भाई जो होते हैं, जो वरुण शर्मा, बार बार पीछे पड़ जाते हैं, मेरी शादी करा दो। पिक्चर काफ़ी अच्छा कॉमेडी है। दरअसल डायरेक्टर ने इसमें हीरो के बदले हीरोइन को ये रोल दिया है, एक सेक्स डॉक्टर अगर एक औरत चलाती है तो किस तरह का पब्लिक रिएक्ट करती है, और एक ऐसे डॉक्टर होने के नाते लोगों से कैसे बात करती है, कैसा रिएक्शन आता है, वो भी इंडियन सोसाइटी में, इंडिया जैसे देश में लोग कैसा रिएक्ट करते हैं। अब ऐसा कॉमेडी है, उनका काफ़ी कोशिश करती है कि इसकी पहुंच अच्छा हो, लोग का अच्छा रिस्पांस हो, लोग इसके बारे में बातें करें और लोग आएँ, और इनके अस्पताल में ऐसे मरीज आते हैं जो लोग बात करने के लिए कतराते हैं, और अभी एक औरत के सामने कैसे बात करें क्या, वैसा आगे पीछे अच्छा कॉमेडी है। अगर आप अकेले देखना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा है, अगर अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो और अच्छा है, गर्लफ्रेंड के साथ जाते तो बात ही कुछ अलग है, और घर में सारे परिवार के साथ जाना तो सोचने लायक है। बाकी पिक्चर काफ़ी अच्छा है, कॉमेडी है, गाने भी अच्छे हैं, और ये काफ़ी कोशिश करती है इसमें हीरोइन की उनका हॉस्पिटल चले, उनका क्लिनिक चले, और एक पॉप सिंगर के पास जाती है, उनसे भी बात करती है, वो भी बेचारे हाथ बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं ऐसे करने जाए तो, उन्हें समझाते हैं। पिक्चर काफ़ी अच्छा है, और सोनाक्षी सिन्हा काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है, ऐसे भी एक्टिंग अच्छे कर लेते हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया है, गाने भी अच्छे हैं, बाकी पिक्चर देखने लायक है, पर इंडियन सोसाइटी में ऐसे पिक्चर को इतनी जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, भले हम काफ़ी नए तकनीक के नए सोच में आ चुके हैं, आजकल के जनरेशन के हिसाब से पिक्चर तो लोग देख लेंगे, पर थोड़े 90s के काफ़ी थोड़े पुराने लोग हो जाएंगे तो बुजुर्ग लोग ऐसे पिक्चर तो परिवार के साथ भी नहीं देखेंगे और पिक्चर देखना भी पसंद नहीं करेंगे। पिक्चर आप देखिएगा थिएटर में, आपको कैसा लगा आप अपना कमेंट्स फिर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जो भी कहना है नहीं रखिएगा मन में, ना रखिएगा अपने मन में, लिख दीजिएगा कमेंट्स में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल सत्या भाई रिव्यू को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।